Hello dear students, today we will learn about woodcraft sign. Scoutcraft is a term used to cover a variety of woodcraft knowledge and skills required by people seeking to venture into wild country and sustain themselves. Independently, skills commonly include are camping, cooking, wilderness and survival. So watch the video till end. Good morning dear students, aaj main aapko woodcraft sign khoj ke chinh padhungi. Scout guide mein khoj ke chinh ka bada mahatv hai. Hum sabhi milkar hike mein jaate hain aur hike mein हम निशानों की सहायता से खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड बेडिन पावेल ने बच्चों को तरह तरह के कुछ साइन सिखाए थे, चिन्ह सिखाए थे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ अच्छा पानी है, कहाँ पुल है, कहाँ गंदा पानी है जो नहीं पी सकते। उन्होंने वो सारे उसके चिन्ह बच्चों को सिखाए थे, जिससे वो जासूसी के रूप में वो जासूसी करते हुए आगे बढ़ते जाते। बच्चे बड़े ध्यान से ये वुडक्राफ्ट साइन सीखते थे और वही साइन आज हमारे स्काउटिंग गाइडिंग में है, जिन्हें हम खोज के चिन्ह या वुडक्राफ्ट साइन के नाम से जानते हैं। तो आज हम सब देखेंगे कि वुडक्राफ्ट साइन हमें कहां पर मदद करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जंगल में जाते हैं तो निशान ढूंढते हुए जाते हैं, और वही निशान जब हम आगे जाते हैं तो उन्हें नोट करते हैं, और जब पीछे वाली कोई टोली आती है तो वो उन निशानों की सहायता से चलती है। लास्ट वाली टोली जो सबसे अंत में आती है वो उन निशानों को मिटाते हुए जो लेटर या संदेश है उसे लेते हुए अपने साथ आती है। तो आओ आज हम सब देखें कि खोज के चिन्ह से या वुडक्राफ्ट साइन से हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते, कैसे अपने गंतव्य या अपने निश्चित स्थान पर पहुंच सकते। यह एक तीर का निशान बना हुआ है, पत्थर से भी है, लकड़ी से है और चौक से भी बना हुआ है। एक पैर का निशान बना है, आप देखें एक पत्थर रखा है, उसके आगे एक छोटा पत्थर रखा है। ये तीन चार तरह से निशान जो बने हुए हैं ये हमें इस दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं कि जिस दिशा में एरो बना है आप उस दिशा में जाएं, जिस दिशा में पैर के जूते का या चप्पल का निशान है उस दिशा में जाएं, जहां जिस तरफ बड़े पत्थर के ऊपर छोटा पत्थर और छोटा पत्थर रखा हुआ, जिस स्थान पर जिस दिशा में छोटा पत्थर रखा है उस दिशा में जाए। तो ये है एक निशान जो हमें दिखाता है कि आगे रास्ता साफ है, आप सीधे जाओ। ये दाएं या बाएं मुड़े जिस तरफ एरो का निशान दर्शाएगा आपको उस तरफ मुड़ना है। एक बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, संकेत है कि मेरे लिए प्रतीक्षा करो। यदि एक टोली आगे चली गई है और दूसरी टोली पीछे है तो वहां पर कहेंगे कि प्रतीक्षा करो, मीन्स
ये निशान देख के टोली के सदस्य प्रतीक्षा करते। तो लकड़ियों द्वारा कुछ चिन्ह लगाए गए थे। अभी घास से जब कभी लकड़ियां नहीं है और घास लगी हुई है तो हम घास के द्वारा भी चिन्ह लगा सकते हैं। एक घास का सीधा पूला बनाएंगे और ये पूला जो बना है वो एकदम सीधा रखा हुआ है, बीच में बांध दिया है। इसका मतलब है रास्ता साफ है, आप सीधे जा सकते हैं। एक तरफ को घास मोड़ दी गई है, तरफ घास मुड़ी है उस तरफ हमें जाना है। मुड़ी घास की ओर जाओ, ये लेफ्ट में भी हो सकती है राइट में भी हो सकती है। जिस साइड में घास मुड़ी हुई है उस साइड में हमें जाना है। जब तीन घास के पूले एक साथ सीधे रखे हो इसका मतलब खतरा है, उस रास्ते पर हमें नहीं जाना है। घास के अलावा पत्थर, कभी कभी ना घास मिलती है और ना ही लकड़ियां रहती है, पत्थर ही पत्थर पड़े होते हैं, वहां पत्थर से निशान लगा देते हैं। एक बड़ा पत्थर, उसके आगे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं एक सेमी सर्कल में, मतलब कैंप फायर का सर्कल बना दे, मतलब घर पहुंच गए, हम गंतव्य पर पहुंच गए। कुछ निशान है आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। सीधे चले, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, इस तरह इस तरफ ना जाए, पत्थर के निशान है। पहले रॉक, एक बड़े पत्थर के ऊपर एक छोटा पत्थर रखा हुआ है, मतलब आप सीधे जाओ। एक बड़े पत्थर ऊपर छोटा पत्थर और एक साइड में, दाएं साइड में राइट साइड छोटा पत्थर है, मतलब राइट में जाओ। बाएं साइड जाने के लिए बड़े पत्थर के ऊपर छोटा और टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न के लिए लेफ्ट साइड पे पत्थर रखा है। टू नोट गो दिस वे, जब छोटे छोटे तीन या चार पत्थर एक ही लाइन में रखे हो उस रास्ते पर न जाए, खतरा है, रास्ता बंद है। फिर पत्थरों से ही निशान बनाए हैं, सीधे चले, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, अगर क्रॉस बनाया है तो इस तरफ न जाए। लकड़ी से तीर का निशान, सीधे दाएं बाएं क्रॉस बनाया, इस तरफ न जाए। ऐसे ही घास से लॉन्ग ग्रास, सीधे राइट टर्न, लेकर थोड़ा सा टर्न कर दिया घास को राइट लेफ्ट, और अगर तीन पुले एक साथ रखे हो तो उस तरफ न जाए। पांच कदम पर कोई संदेश छिपा है, एक सर्कल, छोटा सर्कल, मैं घर पहुंच गया हूं। इसके अलावा हम पत्थर से, घास से, लकड़ी से, जब कभी हम शहर के एरिया में होते हैं और पक्की सड़क, पेड़, दीवार मिलते हैं तो हम चौक से निशान लगा सकते हैं। तो ये चौक के निशान भी आपको बता देते हैं। अगर एस डॉट पी डॉट लिखा हुआ है, मतलब प्रारंभिक बिंदु, आरंभ बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम हाइक शुरू करते हैं,
हाइक शुरू करने के स्थान पर एसपी स्टार्टिंग पॉइंट, अगर एसपी लिखा है तो आप समझ जाएं यहां से हमारी हाइक प्रारंभ हुई। निशान बना है चौक से एक तीर का, मतलब तीर की दिशा में क्रॉस है, अगर चौक से क्रॉस किया हुआ है इस दिशा में न जाए, रास्ता बंद है। एक बॉक्स के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 8 कदम पर कोई संदेश या पत्र छिपा है। यदि वर्ग के अंदर कुछ न लिखा हो तो आप समझ लें कि 3 कदम पर संदेश छिपा हो। तीर की ओर पीने का पानी है, लहरों में एक लाइन खींच के उसको क्रॉस किया है, मतलब पानी गंदा है। इधर पुल है, यहां ठहरो इंतजार करो, मैं घर चला गया हूं। स्वस्तिक का निशान बताता है सब कुछ कुशल है। अगर एक शिविर का निशान बना है तो जिस तरफ एरो है उस साइड में हमारा कैंप शिविर है। चौराहा पार करो,